Welcome, my friend. PSL dollar job is match number 25 T20. Peshawar versus Quetta. ये मैच किस तरह होगा, कौन सी टीम ये मैच विन करेगी, और ये जो भाव है किस तरह चलेंगे या नहीं चलेंगे, और ये जो मैच है अगर जयपुर में गया तो किस सूरत में जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारी मैच में टीम होती है वो विन करती है, वरना अगली टीम को टफ टाइम दे के आती है, वरना विन नहीं करती है, ये बात नोट कर लेना। आज भी अच्छा मैच हुआ, उसमें मैंने इस्लामाबाद दी हुई थी और घाटे का मुकाबला हुआ। मैंने आपको बोला था कि अगर इस्लामाबाद टॉस विन करके फर्स्ट बैट कराची को देगी तो फिर घाटे का मुकाबला होगा। इसी तरह अच्छा मुकाबला हुआ, कराची फेवरेट है और उसके बाद इस्लामाबाद ने कम बैक किया और मैच विन किया। और इस चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट में, वहाँ से आप इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट हो और आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। ये जो कल मैच खेला जाएगा ये भी रावलपिंडी के ग्राउंड में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर आपको पता है कि ना ज़्यादा चेस होते हैं और ना ज़्यादा डिफेंड होते हैं। अभी तक इस ग्राउंड पे 22 मैच खेले गए हैं, उनमें भी 10 मैच डिफेंड हुए हैं और 12 मैच चेस हुए हैं। ये इतना फर्क नहीं है आपको बताएं। और इन टीमों के जो मैंने की प्लेयर्स निकाले हैं, चार पेशावर धर्मी के की प्लेयर्स हैं और चार हैं क्वेटा के, वो जो 8 प्लेयर्स हैं आपको अच्छे पॉइंट देंगे, ये मैं आपको बताऊं, ये बात नोट कर लेना। पेशावर की बात करें तो उनमें एक साइम अयूब है, दूसरा बाबर आजम, तीसरा आसिफुल्ला, और बॉलर में बात करें तो सलमान इरशाद, ये आपको अच्छे पॉइंट देंगे, ये बात नोट कर लेना। और क्वेटा की बात करें तो क्वेटा में साउथ शकील, रैली रोसो और दो बॉलर हैं वसीम जूनियर और सोहेल खान, ये आपको अच्छे पॉइंट देंगे, ये बात नोट कर लेना। अब बात करते हैं ये जो मैच है कौन सी टीम विन करेगी। इस मैच में जो मैच विनर टीम हमारे पास निकली है वो है पेशावर। ये मैच पेशावर जर्मी विन करेगी, ये बात नोट कर लेना। पीएसएल 2024 मैच नंबर 25 पेशावर जर्मी विल बी विन। ये मैच पेशावर जर्मी विन करेगी, ये बात नोट कर लेना। और फिर अगर हारती है तो फिर जयपुर स्तर में ही हारेगी, वरना विन नहीं करेगी, ये बात नोट कर लेना। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी मैच हो उसमें आप अपना बुक जरूर सेट किया करो, हर मैच में अपना बुक सेट करने का उसूल बनाए रखो ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं, ये सारा खेल नसीब का होता है, ये आपको पता है। और ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ये बात नोट कर लेना। अब बात करेंगे ये जो भाव हैं किस तरह चलेंगे या नहीं चलेंगे उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास मैच विनर टीम निकली है पेशावर धर्मी, उसके बारे में, अगर वो टॉस विन करती है तो फिर के ये जो भाव हैं किस तरह चलेंगे। पेशावर धर्मी अगर टॉस विन करती है, टॉस विन करके फर्स्ट बैट पे आती है तो फिर ये बात नोट कर लेना। इस सूरत में भी 90 के तक ही भाव चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। अगर क्वेटा फेवरेट आई तो
90 भी रहेगी, ज्यादा नहीं होगी, ये बात नोट कर लेना। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पेशावर धर्मी फेवरेट होती चली जाएगी, ये बात अच्छी तरह नोट कर लेना। और अगर पेशावर धर्मी ट्रांसमिन करती है, ट्रांसमिन करके फर्स्ट बैट को इटिया को देती है, तो फिर ये बात नोट कर लेना। इस सूरत में जो हमारे पास मैच निकलते हैं वो उनमें कांटे का मुकाबला होता है, दोनों टीमें 50 पैसे में फेवरेट आती हैं। उस सूरत में आप चाहे दोनों तरफ विन करो या एक ही टीम पे रहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ आप अपना बुक जरूर सेट किया करो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर हमारी जो मैच विनर टीम होती है वो टॉस विन करके अगर अगली टीम को फर्स्ट बैट देती है, तो इस सूरत में जो हमारी मैच विनर टीम होती है उसके 20% हारने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन 80% हमारी टीमें विन करती है, ये बात नोट कर लेना। कल भी अगर पेशावर धर्मी टॉस विन करके फर्स्ट बैट क्विटा को देती है, तो फिर इस सूरत में ये मैच कांटे का होगा, लेकिन इस सूरत में भी जो हमारे पास मैच विनर टीम होगी वो पिशार की होगी, ये बात नोट कर लेना। और ये जो टॉस वाली पॉइंट है इसको आप गौर से सुने और समझें, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। ये जब चलती है तो उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, उससे पता चलता है कि अगर मैच में मुकाबला हुआ, कांटे का मुकाबला हुआ तो कैसे होगा, अगर मैच जेकपुर में गया तो किस सूरत में जाएगा, उससे आसानी होती है और ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। अब बात करेंगे क्विटिया की, अगर क्विटिया ट्रांसफर कर दिया है तो फिर इस सूरत में ये भाव किस तरह चलेंगे। क्विटिया अगर ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करके फर्स्ट बैट पे आती है, तो फिर ये बात नोट कर लेना, इस सूरत में ज्यादा भाव नहीं चलेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा इस सूरत में पेशावर धर्मी फेवरेट होती चली जाएगी, ये बात नोट कर लेना। अगर कोई ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करके फर्स्ट बैट पे आती है, तो फिर ज्यादा भाव नहीं चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेशावर धर्मी फेवरेट होती चली जाएगी, ये बात नोट कर लेना। और अगर कोई टीआर ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करके फर्स्ट बैट पेशावर को देती है, तो फिर ये बात नोट कर लेना। इस सूरत में जो हमारे पास मैच निकलते हैं वो जेकपुर बनते हैं, इस सूरत में कोई टीआर चाहे 10 पैसे फेवरेट हो या 5 पैसे फेवरेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से भी पेशावर धर्मी कम बैक करेगी और ये मैच विन करेगी, ये बात नोट कर लेना। अगर कोई टीआर ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करके फर्स्ट बैट पेशावर धर्मी को देती है, तो फिर इस सूरत में दोनों टीमें 40 पैसे में फेवरेट आएंगी, आप चाहे दोनों तरफ विन करो या एक ही टीम पे रहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ आप अपना बुक जरूर सेट कर लेना, आगे आपकी मर्जी है। इस सूरत में भी जो हमारे पास मैच विनर टीम होगी वो होगी पेशावर, ये बात नोट कर लेना। ये सारी बात मैंने आपको समझाई, इसको आप गौर से सुने और समझें। ये जो टास्क वाली पॉइंट है इसको भी आप गौर से सुने और समझें, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इस चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट में, वहां से आप इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं सपोर्ट हो और आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच रहे। बाकी दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।